अभी फिलहाल में जो लड़ाई या वॉर होती है वो पैसे के लिए जमीन के लिए होती है, पर आने वाले नियर फ्यूचर में ये वॉर पानी के लिए होगी। जैसे जैसे पानी की कमी हो रही है वैसे वैसे टेंशन बढ़ रही है देशों के बीच में पानी की। और टेंशन की बात यह है कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं है देशों के बीच में। लिस्ट के अकॉर्डिंग ब्राजील फर्स्ट कंट्री आता है फ्रेश वाटर रिजर्व के मामले में। ब्राजील के पास पूरी दुनिया का 12% फ्रेश वाटर का हिस्सा है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर रशिया आता है। रशिया के पास 4,508 क्यूबिक किलोमीटर पानी है, जो 20% बनता है पूरी दुनिया के फ्रेश वाटर रिजर्व। कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक ऐसा कंट्री जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लेक्स हैं। कनाडा के पास करीब 880,000 फ्रेश वाटर के लेक्स हैं। इस लिस्ट में इंडिया 10th प्लेस पे आता है। हमारे पूरे इंडिया में 1911 क्यूबिक किलोमीटर पानी है। इंडिया के पास 4% हिस्सा है पूरी दुनिया के फ्रेश वाटर रिजर्व का। आपको क्या लगता है क्या होगा बेस्ट सोल्यूशन इस पानी की समस्या का? क्या 16% आबादी के लिए 4% पानी काफी होगा? अपने अकाउंट बॉक्स में दें।